तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब स्ट्रिंग नाम के एक मेथड जो हम लोगों का जो लास्ट वीडियोस था उसमें हम लोगों का छूट गया था, राइट। दो मेथड्स छूट गए थे हमारे, एक आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वाइट बोर्ड पे, कि पहला हमारा है ये सब स्ट्रिंग नाम का एक मेथड, और दूसरा हमारा एक और छूट चुका था सब स्ट्रिंग का ही। दो टाइप का सब स्ट्रिंग होता है, तो हम लोग आज बस इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सब स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए डेफिनेशन हमारे लिखे हुए हैं बोर्ड पे कि दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम गिवन इंडेक्स टिल द एंड ऑफ द मेन स्ट्रिंग। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये स्टेटमेंट सुनने में, मैं इसको क्लेरिफाई और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए ये सब स्ट्रिंग नाम का जो मेथड है ये क्या करता है, बेसिकली ये आपका जो एक स्ट्रिंग आप एंटर करते हो प्रोग्रामिंग में, आप एक स्ट्रिंग एंटर करते हो, उस स्ट्रिंग को वो कट करता है। कट का मतलब होता है कि वो उसको सॉर्ट कर देता है पर्टिकुलर किसी इंडेक्स से, पर्टिकुलर किसी इंडेक्स तक काट करके अलग कर देता है। मतलब क्या होता है और आसानी से समझते हैं। देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग हमने एंटर किया है पी नाम के वेरिएबल के अंदर में, ये पी नाम का वेरिएबल के अंदर हमने स्ट्रिंग एंटर किया है, कट इट आउट एक स्ट्रिंग है, कुछ भी स्ट्रिंग रैंडमली हमने एंटर किया है, और मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग को मैं कट करूँ। कट मतलब इसलिए नहीं कि ये कट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं इसे किसी पर्टिकुलर जगह से काट के अलग करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कि जैसे कि CUT कट इट आउट, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये इट आउट बाहर निकल जाए और कट हट जाए यहाँ से, कट जो है यहाँ से हट जाए और ओनली इट आउट मेरा निकल जाए बाहर, तो मैं इसी को चाहता हूँ करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने एक अलग से एक स्ट्रिंग लिया है क्यू वेरिएबल वाला, जिसके अंदर हमने पी डॉट सब स्ट्रिंग अंदर में लिखा है फोर, देख रहे हो आप अंदर में लिखे हैं फोर। ये फोर क्या है, ये फोर है इंडेक्स, मैं और एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेटली, आप चिंता मत करिए। तो ये फोर्थ नंबर इंडेक्स हम लोगों का जो है वो इस जगह पर लिखा हुआ है, ये जो फोर है ये हमारा जो एंटर किया हुआ स्ट्रिंग है इसका फोर्थ नंबर इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इस और एक्सप्लेन करते अच्छे से, तो देख लीजिए फटाफट। हमने यहाँ लिखा है कट इट आउट और इसके बीच में दो स्पेस है, यहाँ पर भी एक स्पेस है, यहाँ पर भी एक स्पेस है, देख सकते हो आप बीच में दो दो स्पेस आपको दिख रहे होंगे, दो स्पेस आपको दिख रहा होगा, एक इस जगह पर है एक इस जगह पर, यानी कट के बाद एक स्पेस है और इट के बाद एक स्पेस है। तो उन स्पेस को भी काउंट करना पड़ेगा एज अ कैरेक्टर के फॉर्म में, राइट, जहाँ हमें एक स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि कट इट आउट हमने सबको सेपरेट कर दिया और हर एक के इंडेक्स वैल्यू को देख सकते हैं आप, इंडेक्स वैल्यू का हमने लिखा है। क्या है इंडेक्स वैल्यू, सी का 0 हो गया, यू का 1, टी का 2, और ये स्पेस है इसका 3, आई का 4, टी का 5, फिर स्पेस 6, ओ का 7, और यू का 8 और टी का 9, ये इसके इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। अब हम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कर क्या रहा तमाशा। देखिए यहाँ जो हमारा लिखा हुआ है पी डॉट सब स्ट्रिंग 4, इसका मतलब सिंपल है कि आप पहले 0 से काउंट करिए, 0 1 2 3, उसके बाद 4 नंबर आ रहा है, यानी कि ये क्या करता है कि 4 नंबर इंडेक्स से लास्ट तक जितने भी कैरेक्टर बच रहे हैं उनको प्रिंट कर देगा, यानी कि 4 नंबर के पहले जो भी है उसे काट करके हटा देगा। बात क्लियर हो गया, देखिए वही यहाँ पर हो रहा है कि आपका सब स्ट्रिंग 4 का मतलब यही है कि जो आपका फोर्थ नंबर तक इंडेक्स है, फोर्थ नंबर इंडेक्स वहाँ से लेकर के लास्ट वाला जो इंडेक्स है वहाँ तक प्रिंट करेगा, लेकिन उसके पहले वाला जो भी है मामला इसको हटा देगा। बात क्लियर हो गया, इसको कहते हैं सब स्ट्रिंग। तो उसी का देखिए आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है इट आउट, क्योंकि ये कट जो है ये हट गया, बात ऑब्वियसली क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं अगर इसके जगह पर कुछ और करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 4 लिखा हूँ, 4 का जगह मैं अगर यहाँ पर इंडेक्स को 5 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, 5 नंबर से प्रिंट होगा, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होना चाहिए, टी स्पेस आउट, बात क्लियर हो गया। अगर मैं इसके जगह पर 6 लिखता हूँ,
मैं इसको जगह 6 लिखता हूँ, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होना चाहिए? देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में एक स्पेस है, यानी कि एक पहले एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर आउट प्रिंट होगा, यानी कि आपका ये जो टी है ये हट जाएगा बस, बाकी स्पेस तो आपको दिखता नहीं है इसीलिए वो आपको उतना फील भी नहीं होगा, लेकिन आउट जो है लास्ट में वो आपको प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़, राइट। अगर मैं इसके जगह पर 7 लिखता हूँ, तो मैं इसके जगह अगर लिखता हूँ 7, यानी कि ये 7 कहाँ पर होगा, इस 4 के जगह पर, इस 4 को हटा दे रहे हैं और पी डॉट सब स्ट्रिंग 7 लिख रहे हैं, तब क्या प्रिंट होगा? तो 7 नंबर में क्या है जल्दी देख लीजिए, 7 नंबर हम लोगों क्या है, तो 7 नंबर में हम लोग देख सकते हैं कि ये है ओ 7 नंबर में है, फिर इसके बाद जो भी हम लोगों को दिख रहा है ये सब कट के अलग हो जाएगा और ये स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मतलब 6 नंबर वाला और 7 नंबर वाला मोस्टली देखने में सेम लग सकता है, 6 नंबर वाला में थोड़ा सा स्पेस भी आएगा आगे में, ठीक है, और 7 नंबर इंडेक्स देते हैं तो फिर कुछ नहीं आएगा। मैं इसके अगर जगह 8 कर देता हूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर? तो 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में है यू और फिर इसके बाद जो भी है, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा यूटी। बात क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ, तो यही हम लोग बोलना चाहते थे। अगर मैं इसके जगह पर लिख देता हूँ, मान लीजिए कुछ देर के लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा, इस 4 के जगह मैं लिख देता हूँ, इस 4 को नहीं लिख करके मैं लिखता हूँ इसके जगह पर 2 लिखता हूँ। याद रखिएगा ये 2, 4, 7 जो भी है इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू है, तो मैं पी डॉट सब स्ट्रिंग 2 लिखता हूँ। तो 2 नंबर प्लेस पे क्या है, 2 नंबर प्लेस पे टी है, यानी टी के लेकर के पूरा ये प्रिंट होगा, यानी कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे हो जाएगा टी फिर स्पेस फिर इट फिर स्पेस फिर आउट, ये होगा स्क्रीन पे प्रिंट। बात क्लियर हो गया होगा आपको, सब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है। तो सब स्ट्रिंग में 2 तरह का सब स्ट्रिंग है, पहला जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें आपका एक ही इंडेक्स दिया हुआ है, राइट, इसमें इंडेक्स का जो वैल्यू है वो एक सिंगल है। इसके बाद का जो हमारा सब स्ट्रिंग पढ़ने वाला है उसमें देखिए 2 इंडेक्स दिया हुआ, देख सकते हैं आप, एक स्टार्ट इंडेक्स एक एंड इंडेक्स, एकदम दिख पा रहे होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक स्टार्ट इंडेक्स दिया है, एक एंड इंडेक्स दिया है, मतलब इसमें आपका पर्टिकुलर कोई रेंज दिया हुआ है, राइट, रेंज पे हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ओके देखिए अब क्या करते हैं, किसका डेफिनेशन क्या है, आप नोट्स बना सकते हैं इजीली। दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग, ये मेथड क्या करता है, एक नया स्ट्रिंग आपको रिटर्न करता है। जो स्ट्रिंग नया वाला आएगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट होगा आपका जो स्टार्ट इंडेक्स दिया हुआ है, और ख़त्म कहाँ पर होगा, जो एंड इंडेक्स दिया हुआ है उससे एक कम, जो भी एंड इंडेक्स होगा उससे एक कम आपका प्रिंट होगा स्क्रीन पे। उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स आपको डेफिनेटली क्लियर करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल वही सेम रखे हैं, पी इक्वल टू कट इट आउट, और वही पी डॉट सब स्ट्रिंग इसमें हम लोग क्या किए हैं, 0, 3 लिखे हैं। तो जहाँ पर 0 क्या है हमारा, 0 हमारा है स्टार्ट इंडेक्स और 3 क्या है हमारा, ये हमारा एंड इंडेक्स। बात क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा देखिए हमने सबको अलग अलग कर दिया है और सबका अलग अलग इंडेक्स वैल्यू हमने लिख दिया है, ठीक है, देख पा रहे होगा आप स्क्रीन पे वाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पर देखिए एज इट इज़ वही स्पेस यहाँ पर होगा, स्पेस क्योंकि उसका भी एक कैरेक्टर माना जाता है जावा में, इसलिए उसका भी एक इंडेक्स वैल्यू होगा। तो ये पहला स्पेस का इंडेक्स वैल्यू है 3 और दूसरा स्पेस जो है उसका है 6, ठीक है। खैर इसका यहाँ इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा फिलहाल नहीं है, हम लोग बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था 0, 3, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या पढ़ा कि शुरू कहाँ से होगा, तो शुरू होगा स्टार्ट इंडेक्स से, ख़त्म कहाँ होगा नया स्ट्रिंग हमारा, तो एंड इंडेक्स से एक कम, यानी कि 3 से 1 कम 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा जो ये है 0, 1, 2, यही हमारा स्क्रीन पे प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान चीज़ है देखिए, है ना। जितना हमारा एंड इंडेक्स था, देखिए वाला 3, 3 हमारा एंड इंडेक्स था और 0 हमारा स्टार्ट इंडेक्स है, वही तो हम लिखे हैं यहाँ पर, बात क्लियर, यही तो लिखा हुआ ना कि 0 हमारा स्टार्ट इंडेक्स है और 3 हमारा एंड इंडेक्स है ना। और हमारा डेफिनेशन कहता है कि स्ट्रिंग जो होगा नया वाला वो कहाँ से कहाँ तक होगा, स्टार्ट इंडेक्स
से लेकर के लास्ट इंडेक्स जो है एंड इंडेक्स उससे एक कम। तो एंड इंडेक्स हमारा है 3, उससे एक कम यानी कि ये वाला हो गया हमारा एंड माइनस 1, तो 2, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ हमारा कट प्रिंट होगा स्क्रीन पे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ 0.5 किया गया है मेरा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टार्ट इंडेक्स और 5 हो जाएगा हमारा एंड इंडेक्स। तो हमारा जो स्ट्रिंग है नया वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, 0 से लेकर के 4 तक प्रिंट होगा। 0 इंडेक्स से लेकर के 4 इंडेक्स तक जो भी कैरेक्टर होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो 0 नंबर पे है सी, यू नंबर 1 नंबर पे है यू, 2 नंबर पे है टी, फिर 3 में एक स्पेस है, स्पेस आया खाली, फिर 4 में टी सॉरी 4 में आई है, तो यानी कि कट स्पेस आई, ये आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जब हम लोग ये वाला एग्जांपल लेंगे। बात क्लियर हुआ है, जब ये वाला एग्जांपल लेंगे तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ले लिया 0.7, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स, ये हो गया हमारा एंड इंडेक्स। तो हमारा स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, 0 से लेकर के 7 से 1 कम यानी कि 6 तक प्रिंट होगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे सर हर बार 0 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, 1 से भी कर सकते हैं क्या, 2 से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं है। आप अगर 1 से शुरू करोगे तो आपका स्टार्ट इंडेक्स 1 कहलाएगा, आप अगर 2 से स्टार्ट करोगे तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 2 कहलाएगा। बात क्लियर हो गया, तो उसका भी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है, कि अलग अलग स्टार्ट इंडेक्स जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जब एंड इंडेक्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट वाला हम लोग कल करेंगे बात, ठीक है। चलिए अभी हमारा एंड इंडेक्स 7 है, तो हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर 6 तक। तो जल्दी से बताइए बच्चा लोग, हमारा ये जो 0 से लेकर के 6 तक, 0 हमारा ये है और 6 हमारा एक स्पेस है, यानी कि हमारा स्क्रीन पे प्रिंट होगा कट इट, दैट्स इट, कोई दिक्कत ही नहीं हमारा है ना, 6 मतलब स्पेस है, तो स्पेस लिखिएगा नहीं आपको, इसलिए हम लोग उसको कुछ मेंशन नहीं किए हैं, कट इट, राइट। तो ये हमारा आज का वीडियो था, हमको उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बेहतर समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। जितना हो सकता है पॉसिबिलिटीज हमने उसके बारे में बातें कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का स्टार्ट इंडेक्स को अलग अलग रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को समझिए और बेहतर तरीके से समझिए, कोई डाउट रहे तो डेफिनेटली अराइज करिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।